नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बतौर स्टार प्रचारक वो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट का मध्य प्रदेश दौरा कई मायनों में बेहद सुर्खियों में रहा और इसके पीछे की सबसे बड़ी और मूल वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की मुलाकात। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया में ये बात कही जाने लगी और सोशल मीडिया में लोग ऐसे कमेंट करने लगे कि सचिन पायलट की मुलाकात का असर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर देखने को मिला है। इसके पीछे क्या कारण है और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान सुनना होगा जो सोशल मीडिया में पिछले 12 घंटों से सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सुनिए सिंधिया का वो बयान। विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस, विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस। तो सुना आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा में इमरती देवी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि पंजे का बटन दबाइए। जाहिर तौर पर उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। लेकिन सिंधिया को जब इस बात का एहसास हो गया कि उनसे गलती हो गई है, उनकी जुबान फिसल गई है, तो उन्होंने अपनी बात को संभाला और फिर उन्होंने कहा कि कमल की बटन दबाएं, कमल को वोट दें और पंजे का बुरिया बिस्तर बंद कर दें। आप एक बार फिर से सुनिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डबरा में इमरती देवी के समर्थन में किस प्रकार से उनकी जुबान फिसली और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील कर दी। विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस, कमल के फूल वाला बटन दबेगा। तो सुना आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान। अब मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और लोग कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कांग्रेस पार्टी का प्रेम जाग गया है और इसके पीछे की वजह है सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात। यानी सिंधिया पायलट से मिलने के बाद सिंधिया के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो पुराना मोह है वो जाग गया है। जाहिर तौर पर यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जब सचिन पायलट मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, इस दौरान सबसे पहले सचिन पायलट ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी और वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया और अखबारों में सामने आई थी कि किस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा तक गुप्त मंत्रणा करते रहे। लिहाजा जाहिर तौर पर उसके बाद से सिंधिया का इस प्रकार से बयान आना अपने आप में बेहद अहम है। भले ही सिंधिया की जुबान फिसली हो, लेकिन अभी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। जाहिर तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट बेहद अच्छे मित्र हैं और जब पायलट सिंधिया के गढ़ में गए थे तब से ही लगातार सिंधिया और पायलट की खबरें सुर्खियां बनने लगी थी और जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव का मौसम है और चुनावी बयार जब किसी भी प्रदेश में बहती है तो नेताओं की जुबान भी फिसलती है और बदजुबानी वाली भी बयानबाजी सामने आने लगती है। नमस्कार।